बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विजिट है ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पर लेके जाएगा। और ये जो ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज है उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ वट आई वॉज रीडिंग, तो एक जगह पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो जल्द बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब के अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनके वो पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पर मिलता है, ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें, आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो है वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कुछ 20 बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के दो डिफेंस के जो लोग हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी विजिट से आने से पहले हैं, दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ शैरफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो, और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई निगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं, जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं। और ये कहा चाह पिछले साल अगर आप पिछले महीने मई में ये बात चली थी कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। और इसमें ये समझें कि जो इंडिया की जो टाटा मोटर्स है जो कि बेसिकली उनका टाटा ग्रुप है, इस वक्त वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 80% शेयर उनका अकेले का है, तो जाहिर बात है जब ये आएगी तो वो भी सफ़र करेंगे वन वे और दी अदर 80% से, और क्योंकि उनकी अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रेडिबिलिटी और है, जो बाहर से मैन्युफैक्चर जाता है उसकी और है। ये इसी तरह है कि फॉर इंस्टेंस अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है, अगर कोई इंडिया का लोकल फ़ोन होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है। इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी करने के अंदर, लेकिन ये चीज़ जो है जो टेस्ला के सीईओ को मिलना इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। और अब वो महल मीडिया से बात कर रहे थे और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, आई एम अ फैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलॉन मस्क ने दो चीज़ें इसमें आपको समझने के लिए, एक चीज़ ये है कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो ही सेट दिस वर्ड फैन ऑफ मोदी और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा, किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द
रीज़न बिहाइंड इज़ के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज़ का, वहाँ पे अपना स्टाइल है। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं दे ऑलवेज कीप लुकिंग के हमें क्या करना चाहिए कि द होस्ट नेशन जो उसको उसका दिल जीते हैं। और क्योंकि मोदी साहब का ये है कि वो अपनी जादू की जफी भी डाल देते हैं, वो सारा करते हैं, तो इस चीज़ में आई गॉट कि वो एलन मस्क जो है उसने ये चीज़ें की होंगी। लेकिन अब आप देखें कि जो भी है, लेकिन एलॉन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ द शेयर इन द मार्केट, बिकॉज इट्स द मार्केट इज बूमिंग, के एलॉन मस्क को ये घुटने इसलिए टेकने पड़ गए हैं। उन्होंने कहा यार अगर सारा पैसा अगर टाटा वाले कमा जाएंगे और बाहर से कोई और इन्वेस्टर आ जाएगा, कुछ चाइनीज़ कंपनी आ जाएगी, मैं देख रहा था चाइनीज़ भी अच्छे भले इधर अमेरिका में बहुत सारी जो है वो स्टोर शोर्स खोल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये ना हो कि वो भी पहुंचे तो इससे पहले कि हम उस मार्केट को खो दें या और वो मार्केट किसी और के पास चली जाए, तो व्हाई नॉट वी शुड लुक इन टू इट एंड वी शुड पे अटेंशन टू इट। अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये क्या चीज़ है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं ये भी देख रहा था कि कुछ 71 यूएस लॉ मेकर्स ने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बाइडेन को लेटर लिखा है कि भाई आप इंडिया के साथ जो ह्यूमन राइट्स के इशू उठाएं और प्रेस फ्रीडम और इस तरह की चीज़ें, लेकिन इंडिया तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका ये इशू उठाएगा क्योंकि उनकी उनकी प्रायोरिटीज़ और वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। अभी जारी बात है ये सोचा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं इस वक्त सारी की सारी जो स्टेट डिपार्टमेंट एंड एवरीवन वो कह रहे हैं कि ये जो इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ा है उसके पीछे देर इज़ अ वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना, और ये दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो प्रोटोकॉल यूएन हेडक्वार्टर में मिल रहा है, आप यू जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन। आप वो कभी ग्राउंड देखें, आई हैव मैं वहाँ पर गया हूँ और यूएन का ये जो नॉर्थ लॉन है, योगा के मैट्स पड़े हुए हैं जनाब, और जो है वो मेरा ख्याल है पीएम मोदी जो है वो शाम को अमेरिका के टाइम 5:30 बजे जो कि 8 बजे शायद इंडिया का टाइम होगा और इसी तरह 8:30 जो है वो पाकिस्तान का टाइम होगा, और वहाँ से जनाब वो सारी वो योगा सेलिब्रेशंस करेंगे। ये चीज़ें जो हैं दैट मेक्स दी आप देखें ना कि ये क्या चीज़ है, एक तरफ जनाब वो लगे हुए हैं और दबा के इंटरनेशनली अपनी दुनिया वहाँ पे पहुँच रही है इंडिया के अंदर, दूसरा वो सिर्फ सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे हैं, वो आए हैं यहाँ पे बिजनेसमैन को मिल रहे हैं, थिंक टैंक्स कम्युनिटी को मिल रहे हैं, और वो अपना जैसे कहते हैं ना वो कर रहे हैं जो समझते हैं कि ये बस यही हमें करना चाहिए और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अब शेड्यूल ही आप अगर देख लें उनका, दैट्स अ वेरी 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 मैसिव शेड्यूल। और ये पीएम मोदी का कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेट विजिट है, ठीक है जी, स्टेट डिनर हुए हैं उनके लेकिन स्टेट विजिट जो है, और दूसरा ये है कि मोदी साहब ने कुछ 6 दफ़ा अमेरिका आए हुए हैं इस प्रोसेस के तहत जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे अमेरिकन ये समझते हैं, और फिर जैसे वो यूएन को यूएन कह रहा हूँ अमेरिकन कांग्रेस को ख़िताब करेंगे, और जब अमेरिकन कांग्रेस को ख़िताब करेंगे तो बताएं पीछे क्या रह जाता है। पहले भी आपको इससे पहले बताया था कि ये बड़े कम लोगों को जो है वो मिलेगी ऑनर मिलेगी, तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान के लिए भी एक लेसन है इसके अंदर भाई, लेसन ये है कि अपना घर ठीक करो, अपने घर में हालात ठीक करो, कारोबार ठीक करो, सियासत ठीक करो, मुआशरा ठीक करो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो, लोग आपको सीरियस लें, जिस बंदे को, जिस कौम को, जिस मुल्क को लोग सीरियस ना लें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की कर सकता है। हमें कुछ सीरियस ही नहीं लेता यार, हमें लोग समझते हैं यार ये तो चले हो गए हैं, इनका तो कोई पता ही नहीं है क्या करना है, इधर तो कोई समझ नहीं। आजकल वो कल कह रहे थे देखो पाकिस्तान में एक बिजनेस काउंसिल बनी है, उसके जो उसका जो उसमें वन ऑफ द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इज़ दी आर्मी चीफ। अब वो कह रहे हैं जी आर्मी चीफ का इसमें क्या किरदार है, बहुत सारे लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, वेस्ट में बैठे हुए इमरान खान वहाँ पर लगे हुए हैं सारा टाइम पाकिस्तान की वो जो थोड़ी सी देखें, जब किसी मुल्क के जाना होता है तो उस मुल्क में देखते हैं कि इस मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं,
तो उन्होंने सारा समझना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये देखनी होती हैं कि वहाँ पे ऑपोजिशन क्या है, मीडिया क्या है। साडा आए होंगे तो साडे होते, फाल्डो फाल्डो हो रही है, तो लोगों को समझ लग जाती है कि यार ऐ दे ना दे, कोई गलबात नहीं है, ए नाल मुल्क के इंडिया, यही रंग, यही रूप, यही लोग, यही सारा कुछ है। पर ठीक है, उधर चले जाते हैं, वहाँ पे कारोबार भी है, पैसे भी हैं, सारा कुछ है। इधर अफगानिस्तान है, छोड़ो यार इनका क्या है। हम जो सारा टाइम पूरी दुनिया में चमकते रहे, देखो जी बड़ी साड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, आने की स्ट्रेटेजिक पोजीशन नहीं। आप इसको आप मेरे से बैठ के बात कर लेंगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या चीज़ होती है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन ये होती है कि आपने 2 लाख फौज लाई होती है एक पास से बॉर्डर के होते, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ठीक है जी, 1 लाख दूसरे बॉर्डर से लाई, ये कौन सी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। 700 किलोमीटर आपका समंदर है, आप वहाँ पे कोई जो है ना वो फन नहीं कर सकते, आपके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी ये एक 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 डिफरेंट लेवल है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें आप देखें ना, मोदी साहब के ये जो विजिट है, इसमें सारे सेरेमोनियल विजिट इवेंट्स हैं, बड़ा सब्सटेंसिव किस्म का है। और यूएस कांग्रेस को जैसे हमने पहले कहा बात करना, फिर ये अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात को जिसे कहते हैं ना एक एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगा 21वीं सदी का, मैं आपको बता दूं, जिसे वो कहते हैं कि वो शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं। अगले दिन लिखा हुआ था किसी ने कि जी शेयर्ड कमिटमेंट्स की बात होगी, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक की बात होगी, क्योंकि इंडिया अमेरिका की जो सुई अड़ी है ना, असि है ना सुई अड़ गई, खलो गया उसे अमरीका और थे इंडो पैसिफिक किच खलोता है। ठीक है जी, लेकिन अदर देन दैट उसका जो भी है उसका एक लार्जर एडवांटेज तो इंडिया को है। तो जितना भी एक एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी एंड ऑल दिस, सो ये जो चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो हमें बताती हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं। जितना जितना यूएस चाइना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एक ही मुल्क है वो कहता है देर इज़ ओनली वन डेमोक्रेसी इन दैट रीजन, दैट इज़ लेफ्ट एंड दैट इज़ साइजेबल डेमोक्रेसी। अब देखें ये जब ये जो चीज़ें हैं ये फिर इंडिया को उठा के कहीं ले जाते हैं। आप कभी अगर अमेरिका का आने का सफ़र हो तो आपका जो जहाज़ है उसमें 70% तो इंडियन बैठे होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा इंडियन अमेरिका आ रहा है। और द रीज़न बिहाइंड इज़ के एक तो सारी बात है, इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो बहुत बड़ी है, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, उनके लड़के लड़कियां जो काम करते हैं बड़े वाइब्रेंट हैं, उनको उन्होंने पता लग गया कि साड़ी डेस्टिनेशन कितने है, उनको पता है हमने कहाँ जाना है, हमने क्या करना है। और इस वक्त तो और सारी बात सही भी है, अगर आप देखें फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव देखें, एक ही मुल्क है उस खत्ते में दैट कैन स्टैंड दैट एज अ पोटेंशियल एंड द कैपेबिलिटी। अगर आप इसको सही जिसे कहते हैं ना एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, अगर आपके इस तरह के स्टेक्स हों उस खत्ते में, एंड आप देखें ना अमेरिका हैज़ टू मच टू गिव टू इंडिया, इन रिटर्न इंडिया ने क्या देना है। इंडिया ने एक साइजेबल एनवायरनमेंट देना है, इंडिया ने जहाँ पे मार्केट देनी। देखिए अमेरिका के जो बहुत सारे जो सेंट्रल गोल्स होते हैं ना उसमें एक गोल मार्केट भी होता है, वो अगर इंडिया अमेरिका इंडिया को उठा रहा है ना तो एवेन्यू उठा रहा है, वो थे बहुत कुछ उन्होंने को लेना है। ये तो हम कोई निकम्मे, हमारे जैसे निकम्मे थोड़े ही हैं वो, कि वो वहाँ पे जाके वो अमेरिकन आएंगे, वो आएंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ वो चलेंगे और हम पीछे फिर हाथ पकड़ के देखते रहेंगे। उन्होंने सारा कुछ ले लेना है उनसे, उन्होंने व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, हर चीज़ उन्होंने 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 वहाँ से ले लेनी है। और फिर असी जड़े हैं साडा जड़ा मुल्क, और उन्होंने अपने को इतना ऊपर ले जाना है कि हम तो जिसे वो कहते हैं ना कि हमसे तो हमें तो इतना टेक्नोलॉजी किसी ने सपोर्ट ही नहीं करना। और इस वक्त आप देखें सारे जो H1B वीज़ाज हैं, मैंने अगले दिन आपको बता रहा था कि एक इंडियन जो है वो अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $1.5 लाख कमा रहा है, 70 के कितने% जो H1B वीज़ा उनको दिए और मजीद मांग रहे हैं, और वो तेज़ी से मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग तब नहीं हो सकती, अमेरिका की जो सारी सिलिकॉन वैली है बंद पड़ी है, द रीज़न बिहाइंड इज़ के इंडियंस नहीं आ रहे, चाइनीज़ पे वो ट्रस्ट नहीं करते, और दुनिया की कोई इस तरह की मार्केट है नहीं है जो रियली ये वहाँ से जो है वो ब्रेन ड्रेन हो। इंडिया की मार्केट में कैपेसिटी है कि वो ब्रेन ड्रेन भी हो रहे हैं एंड दे आर सर्वाइविंग बैक होम। सो ये जो चीज़ें हैं, और आप देखते हैं कि इसमें मोदी साहब के ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं,
इसमें अफगानिस्तान या रशिया या दाएश या इन चीज़ों पे क्या असर आएगा, और हमारी तो क्लास ही लेनी है उन्होंने। लेकिन अमेरिकन स्मार्ट है, अमेरिकन नहीं बोलते व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो नाम शाम नहीं लेते पाकिस्तान का, उनको पता है कि इससे हमारे अपने ताल्लुकात उनसे ख़राब होंगे। और पर्टिकुलरली मुझे याद है कि जब ट्रंप साहब भी इंडिया गए थे तो बड़ा नाम शाम और लोगों ने लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने नहीं लिया था। उनको पता था कि नहीं, जो हमारे वो पब्लिक ओपिनियन को जो है वो बड़ा नुकसान होता है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हैं ख़राब होंगी। लेकिन आप ये देखें कि अदर देन दैट, जो अभी की बात है कि ये सारी की सारी एक जो विजिट है उसकी एक, अगर आप आउटर लुक देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर चीज़ जो है ना वो कैप्चर कर ली, हर चीज़। और अभी मैं रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो यूएस एक्टिव स्टेट ब्लिंकन ने यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल बनाई है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल्स इन जो है वो आइडिया समिट, ठीक है जी। आप देखें कि आप यार आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंडियन बिजनेसमैन को एडवांटेज मिल रहे हैं कि वो सारी की सारी अमेरिकन मार्केट जो है उसको टैप इन कर लेते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, वो यहाँ से जो जो सीख के जाएंगे वो, अगर आप देखें कि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सिक्योरिटी में आ जाएं, जो बाकी जिसे कहते हैं ना ट्रैवल में आ जाएं, और बाकी जिसे वो कहते हैं ना कि G20 को अगर देख लें, I2U2 को देख लें, और बाकी चीज़ों में देख लें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 191 अरब डॉलर है, ठीक है जी। और इंडिया जो है का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमरीका है। अब आप इससे यही कह लें सारी टोटल अमरीका के नाल बायलैटरल ट्रेड हो रही कुछ अरब डॉलर हो नहीं, ठीक है, एक्सपोर्ट इतनी की मेरा ख्याल है। और अभी मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने कोई रिसेंटली मेरा ख्याल है 54 अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में इन चीज़ों में। और सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के अंदर भी इंडियन कंपनीज ने कुछ 40 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट किया इन IT, फार्मास्यूटिकल और बहुत सारा। आप ये इमेजिन करें 4.25 लाख जॉब तो इंडियन क्रिएट कर रहे हैं कैलिफोर्निया से लेके और ये सारे इन इलाकों के अंदर। तो अब आप इमेजिन करें बाकी जो उन्होंने जो एयर इंडिया उसने जो 200 बोइंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ सिर्फ अमरीका को, और उससे तकरीबन कुछ 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी अगर आपको याद हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में कहा था, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने मेरे ख्याल है कोई इस हवाले से कोई कानून शनून भी जो है वो बायपार्टिसन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ भी पास किया था, ताकि अब ये देखिए ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि भाई इंडिया के लिए दरवाजे खुल गए, ठीक है जी। और सिर्फ इंडिया जो है वो बातें नहीं हो रही, मतलब बड़े पैमाने पे जिसे वो कहते हैं ना बड़े पैमाने पे वो काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि तकरीबन आई थिंक तमिलनाडु के अंदर जो अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन है उसने को 500 मिलियन डॉलर लगा के वहाँ पे जो है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई है। तो आप सो दे आर वर्किंग ऑन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, ये नहीं आप कह सकते कि जिसे वो कहते हैं ना कि और वो टेक्निकल बात क्या है पीछे, वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के और बेसिकली जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो उन्होंने बहुत सारी जो आइकॉनिक कंपनीज हैं उनके CEOs को पैदा किया है, गूगल, इन्फोसिस, ये बहुत सारे जो अजय भांगा, मास्टर कार्ड, फलान टमकान, ये सारे के सारे यार उन्होंने जैसा भी है आप इंडियंस की उस बात को तो करें। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव अ डिफरेंट व्यू फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, व्हेन इट कम्स टू द इश्यूज कोर रिलेटेड टू पाकिस्तान, कश्मीर, हिस्ट्री, व्हाट एवर वी हैव बीन डूइंग विद देम एंड दे हैव बीन डूइंग, बट व्हेन यू स्पीक ऑफ इंडिया व्हाट्स गोइंग ऑन देयर एंड व्हाट वी नीड टू डू एंड वेयर वी लैक, दैट इज वेयर बट दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू एड्रेस एंड टू सी, ठीक है। उसमें ये चीज़ें जो है इनको बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनका जो स्कूल सिस्टम था उन्होंने कम अज़ कम ये चीज़ें जो हैं वो तो देखी हैं। जितनी भी बड़ी रिसर्च होती है बड़े पैमाने पे, मैं रिसेंटली मैं अमेरिका के बारे में आपको बता रहा था, उस रिसर्च के अंदर से बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें से